सिखाए दोस्तों, बड़े लक्ष्य पर नज़र रखने का हुनर। आइए हम आपको पढ़ के बताते हैं। पहले से ना सोच लें कि हम थक जाएंगे। हम अक्सर लोगों को इस तरह की बातें कहते सुनते हैं कि कल तो सोमवार है, कल प्रेजेंटेशन और मंथली रिपोर्ट देना है, मीटिंग से पूरा सप्ताह ही बिजी रहेगा, ठीक से नींद भी पूरी ना हो सकेगी, आदि इत्यादि काम शुरू होने से पहले यह मान बैठना कि हम थक जाएंगे, यह गलत अप्रोच है। इससे हमारा अटेंशन बढ़ जाता है और हम अपेक्षित ऊर्जावान नहीं रह पाते। आखिर अपने समय का बेहतर तरीके से प्रबंध करना हमें सीखना होगा। अंधेरे को कोसने के बजाय रोशनी करें। चीज़ें मुश्किल होती हैं, सीधा सरल कुछ नहीं होता। ऐसे में यह हम एक सकारात्मक और समाधान आधारित अप्रोच लेकर चलें या केवल शिकायत करते रह जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो समय हम किसी समस्या का हल खोजने में बिता सकते हैं उससे हम समय को ही और मजबूत बनाने में गवा देते हो। यह बात हमारे वर्क प्लेस पर भी लागू होती है। एचआर कंपेलन करने के बजाय यह देखें कि आप चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपेक्षाओं को गलत तरीके से ना लें। ए भाई थोड़ी आवाज़ कम कर दे ज़रा सी यार। अपेक्षाओं को गलत तरीके से ना लें। डिमांडिंग बॉस आपकी जान के दुश्मन नहीं होते हैं। जैसा कि हमें लगता है वे सभी से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षाएं रखते हैं। आपके उनके एटीट्यूड के बारे में शिकायत करने के बजाय उनसे एक सीखने की कोशिश करनी चाहिए। केंद्रित करेंगे कुछ प्रोडक्ट सीख सकेंगे। यह इसलिए भी बेहतर है कि भविष्य में जब आप खुद उस पोजीशन पर जाएं तो आपको पता होगा कि कैसे डील करना है। बातों को कहने का एक तरीका होता है। गुड़ पर मक्खी भिन भिनाने की कहावत को तो लालच बुरी बला की तरह प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मिठास अपनी तरफ खींचती है। हर चीज़ को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे कारगर तरीका वह है जिसमें आप अपनी बात को मिठास के साथ पेश करें।